सो हेलो गाइज टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नाडास क्राइटेरिया वॉट इज द नाडा हेयर नाडा पैंट का नाडा होता है <laughs> तो नाडास क्राइटेरिया ऑफ फॉर कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस सबसे पहले तो आप लोगों को दिख रहा है बच्चा सेंट्रल साइनोसिस यहाँ पे सबसे पहले उस बंदे के पास सेंट्रल साइनोसिस होगा वी आर डिस्कसिंग द मेजर क्राइटेरिया मेजर क्राइटेरिया में से आपका कोई भी एक क्राइटेरिया होने से चलेगा माइनर क्राइटेरिया के अंदर आपका कोई भी दो क्राइटेरियाज होने से चलेगा ठीक है तो सबसे पहले तो हम लोग पहली क्राइटेरिया की बात करें तो हमारे पास होता है सेंट्रल साइनोसिस सेंट्रल साइनोसिस फिर हमारे पास होता है एनी टाइप ऑफ सिस्टोलिक मर्मर कोई भी टाइप का uh, मतलब थर्ड ग्रेड थर्ड ग्रेड सिस्टोलिक मर्मर थर्ड ग्रेड से आगे का सिस्टोलिक मर्मर आपका होगा या किसी भी टाइप का डायस्टोलिक मर्मर अगर प्रेजेंट है ठीक है एंड अगर इट इज एसोसिएटेड विद द हार्ट फेलियर ओके देन इट वुड बी कंसिडर एज द फर्स्ट

okay minor criteria abnormal chest x ray if there is abnormal chest x ray if there is abnormal s2 if there is abnormal ecg if there is abnormal systolic blood pressure okay that would be considered as minor criteria any two of the minor criteria and any one of the major criteria would be considered as positive or the uh, or the child would be having congenital heart disease this is according to the nada's criteria i hope this thing is understood